क्स्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसिस सो बेसिकली इसको फोर क्लास में डिवाइड किया गया है क्लास ए बी एंड सी डी ठीक है एंड देयर रिस्क लेबल्स एंड देयर एग्जाम्पल्स फोर क्लास ए लो रिस्क लेवल एंड देयर एग्जाम्पल इज थर्मोमीटर एंड दे आर सब्जेक्ट टू लो रेगुलेटरी कंट्रोल ठीक है ये बेसिकली थर्मोमीटर का काम क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करना ठीक है उसको एनालाइज करना ठीक है नाउ नेक्स्ट इज क्लास बी क्लास बी रिस्क लेवल इज लो मॉडरेट रिस्क ठीक है एंड देयर एग्जांपल इज हाइपोडर्मिक नीडल्स ठीक है सो बेसिकली दे रिक्वायर्स मोर रेगुलेटरी कंट्रोल देन क्लास ए ठीक है मीन्स इसके लिए एज़ कंपेयर टू क्लास ए इसकी जो रेगुलेटरी uh, कंट्रोल है वो बेसिकली क्लास ए से uh, ज़्यादा है बिकॉज uh, जो भी नीडल्स वगैरह होती हैं uh, उसको अगेन यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया uh, uh, या वी कैंड से कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ जो है उसमें जा सकती है इसलिए ये जो है आपका क्लास ए से ज़्यादा इसको कंट्रोल करने का नीड होता है जो भी हाइपोडर्मिक नीडल्स वगैरह होते हैं उनको ठीक है कंटामिनेटेड हो सकता है लाइक like जो भी आपके इंजेक्शन्स हैं ठीक है तो ये बेसिकली क्या कर सकता है ये आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ठीक है इसलिए इसकी रेगुलेशन जो है इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो एज़ कंपेयर टू ए से ज़्यादा है ठीक है now next is classes c is moderate high risk moderate high risk and their example is lung ventilation okay? now next is high risk high risk and their example is heart bulbs, valves okay? so they require the highest level of regulatory control okay? so these are the medical devices and their डोग्रीज एंड दे आर एग्जाम्पल्स नाउ नेक्स्ट देखेंगे अपन बेसिक एक्सपेक्ट्स, ठीक है मीन्स आपके जो भी मैनुफैक्चर होते हैं जो कि मेडिकल डिवाइस की बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सेल करते हैं तो उसके लिए भी कुछ पार्ट्स हैं इससे रिलेट करते हैं कुछ मैनुफैक्चर से रिलेटेड कुछ सेल और मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं कुछ एक्सपैक्ट्स हैं लाइक मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ़ मेडिकल डिवाइसेस जो भी पर्सन किसी भी मेडिकल uh, डिवाइसेस की अगर बेसिकली वो सेल कर रहा है या मैनुफैक्चर कर रहा है तो सबसे पहले उसकी रेगुलेशंस और उसकी गाइडलाइंस को देखना होता है ठीक है तो जो ये गाइडलाइंस हैं या जो ये रेगुलेशंस हैं इस मेडिकल डिवाइसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं ये इंश्योर करते हैं सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ठीक है जो सेफ्टी है मेडिकल डिवाइसेस की उसकी बेसिकली पहले उनको क्या करना होता है उसकी इफेक्टिवनेस और उसका सेफ्टी देखना होता है ठीक है नाउ सम ऑफ द की एक्सपेक्ट्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एट सेल ऑफ मेडिकल डिवाइस तो कुछ की एक्सपेक्ट्स हैं जैसे कि फर्स्ट इज लाइसेंस सो लाइसेंस फर्दर आपका कोई भी पर्सन जो कि आपको मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग uh, कर रहे हैं वो क्लास ए और क्लास बी की uh, जो आपके मेडिकल डिवाइस हैं उसकी तो उनको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस के लिए ठीक है इन फॉर्म एम डी थ्री और एम डी फोर ठीक है ये बेसिकली फॉर्म नंबर होता है जो कि लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई किए जाते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट इज टू मैनुफैक्चर ठीक है जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो बेसिकली सेल सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस की तो उनको क्लास सी और क्लास डी जैसे कि इससे पहले वाले स्लाइड्स पे मैंने इसकी क्लासेस बताई थी तो उन क्लासेस का हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कैसे इसकी सेल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसके बारे में अभी अपन देख रहे हैं ठीक है तो नाउ नेक्स्ट इज क्लास सी एंड क्लास डी क्लास सी एंड क्लास डी क्लास सी एंड क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस इन द फॉर्म एम डी सेवन एंड एम डी एट तो बेसिकली ये फॉर्म नंबर है एम डी सेवन और एम डी एट जिसके लिए लोन लाइसेंस के लिए ये बेसिकली क्या करना पड़ता है जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको अप्लाई करनी पड़ती है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज़ ए लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ़ मेडिकल डिवाइसेस ठीक है सेल और मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड है जो नेसेसरी है वो बेसिकली क्या है आपका फॉर्म नंबर वो फॉर्म नंबर है एम डी ठीक है सो so, ये बेसिकली फॉर्म नंबर है हम ऐसे नहीं कि किसी भी मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करी और हम किसी से भी बेच सकते हैं कैसे कि भी किसी भी वे में बेच सकते हैं नहीं बेच सकते बेसिकली जो फॉर्म नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने कर, हमारे को करनी है एंड देन जो भी सेल डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं वो बेसिकली आपका इन सारे फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग ही करने पड़ते हैं ठीक है सेकेंड इज़ क्वालिटी कंट्रोल ठीक है सो मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डेट इंश्योर डेट द स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर कि उस प्रोडक्ट की उस मेडिकल डिवाइसेस की सेफ्टी एंड देयर इफेक्टिवनेस एंड बेसिकली सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इंक्लूड्स प्रोसेसिज फॉर डिज़ाइन मतलब कैसे किसी भी मेडिकल डिवाइस को आपको उसे क्या करना है डिज़ाइन कैसे करनी है ठीक है ठीक है सो प्रोसेसेस फॉर डिज़ाइन एंड देन प्रोडक्शंस एंड पोस्ट मार्केटिंग सर सर्विलेंस ठीक है दीज आर कॉल्ड पोस्ट पी एम एस इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ठीक है सो so, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की क्या होगी डिज़ाइन करेंगे देन उसकी प्रोडक्शन की पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करेंगे तो ये बेसिकली किस चीज़ की देख रही है मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो भी मेडिकल डिवाइसेस है उसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस एंड देयर स्टैंडर्ड्स ठीक है नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल फॉर मेडिकल डिवाइसेस ठीक है सो मेडिकल डिवाइसेस डेट कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट रिस्क टू पेशेंट ठीक है रिस्क टू पेशेंट एंड मेन नीड्स टू अंडर गो क्लिनिकल ट्रायल ठीक है उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी की जाती है ठीक है बेसिकली इसके अंदर क्या चेक किया जाता है वही जो भी सेफ्टी है इफेक्टिवनेस है बिफोर अप्रूव बिफोर दे कैन बी अप्रूव्ड फॉर सेल सेल से पहले बेसिकली किसी भी मेडिकल डिवाइसेस की सेफ्टी एंड देयर इफेक्टिवनेस चेक की जाती है ऐसे नहीं कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करी और उसके बाद उसको आपने मार्केट में विदाउट सेफ्टी uh, और इफ़ेक्टिवनेस चेक की आपने भेज दिया तो ऐसा नहीं करना होता है बेसिकली अगर आपने किसी भी मेडिकल डिवाइसेस को मैनुफैक्चरिंग uh, करी है तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल भी होती है और क्लिनिकल ट्रायल के अंदर उस मेडिकल डिवाइसेस की बेसिकली सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस चेक किया जाता है बिफोर दे कैन बी अप्रूव्ड फॉर सेल नाउ नेक्स्ट इज रेगुलेटरी अप्रूवल तो जो भी मेडिकल डिवाइसेस है, ठीक है ना इसके बेसिक एक्सपेक्ट्स एक और है डेट इज रेगुलेटरी अप्रूवल ठीक है रेगुलेटरी अप्रूवल में क्या होता है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस है उसको किस तरह से रेगुलेट की जाती है तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी है डेट इज सी डी एस सी ओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनस भी बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन को भी इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो भी मेडिकल डिवाइसेस है उसको एक प्रॉपर वे में एक यूनिफॉर्म वे में क्या कर सके उसको रेगुलेट कर सके ठीक है देन मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरर्स मस्ट ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल बिफोर दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द मार्केट ठीक है मार्केट में आने से पहले जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ठीक है जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं ठीक है ना उसके ऊपर लेबलिंग भी प्रॉपर वे में की जाती है कि उसको कैसे बेसिकली जो भी यूजर्स हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे ठीक है सो मैनुफेक्चरर प्रोवाइड मैनुफैक्चर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं वो एक तरह से प्रोवाइड कराते हैं कि कोई भी जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल डिवाइसेस हैं उसको कैसे आपको यूज़ करना है ठीक है सो मैनुफेक्चरर्स प्रोवाइड क्लीन एंड एकूरेट लेवलिंग ठीक है उनको एकदम क्लियर वे में सारी चीज़ें एकूरेट वे में दिखनी चाहिए किसी भी मेडिकल डिवाइसेस uh, के ऊपर ठीक है so, सो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है क्लीन एंड एकूरेट लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज ठीक है जो भी हम किसी भी मेडिकल डिवाइसेस को बेसिकली अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर पूरी प्रॉपर तरीके से आ, आ, उसकी लेबलिंग होनी चाहिए डैट दे इंश्योर डेट यूज़र अंडरस्टैंड जो भी यूज़र्स हैं बेसिकली जो भी पेशेंट यूज़र्स हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए समझ सके एंड हाउ टू यूज़ द डिवाइस और बेसिकली उसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि इसको आपको कैसे यूज करना है वो मेडिकल डिवाइस किस तरह से आपके लिए सेफ है और इफेक्टिव है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट मार्केट सर्विलेंस पोस्ट मार्केट सर्विलेंस मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स मस्ट मोनिटर देयर प्रोडक्ट्स ठीक है मस्ट मोनिटर देयर प्रोडक्ट्स फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस आर दे वनली ऑन द मार्केट रिपोर्ट ठीक है मतलब पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी इसलिए बनाई गई है ये एक्सपेक्ट क्योंकि जो भी मेडिकल डिवाइस है उससे रिलेटेड जो भी अगर किसी भी तरह से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं ठीक है ना तो उसको बेसिकली क्या किया जा सके एक तरह से मोनिटर किया जा सके उस, उसको बेसिकली चेक किया जा सके ठीक है ना उन, ये लास्ट है लास्ट एक्सपेक्ट्स है मेडिकल डिवाइसेस की डेट इज़ रिकॉल ऑफ मेडिकल डिवाइस तो सो मैन्युफैक्चर और ऑथराइज्ड एजेंट ऐसे मेडिकल ये डिवाइस जो कि क्या कर रही है किसी भी पेशेंट को हार्म पहुंचा रही है ठीक है uh, या बेसिकली किसी भी यूजर्स को हार्म पहुंचा रही है तो उसको बेसिकली क्या कर दिया जाए बैंक कर दिया जाए स्टॉप कर दिया जाए रिमूव कर दिया जाए ठीक है so now uh, these are the basic ex, uh, basic aspects related to manufacturers and sale of medical devices so student स्टूडेंट आज की क्लास हमारी complete हो गई है आई थिंक ये सारे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो हमारा सिलेबस था जो हमारे सब्जेक्ट्स थे इसके सारे चैप्टर्स कम्प्लीट हो गए सिलेबस आज कम्प्लीट हो गई है थैंक यू